हमने स्टार्ट किया था उसका पार्ट टू है ये। ट्रेकिया से हम शुरू करते हैं, हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं और रेस्पिरेटरी सिस्टम के हमने देखा कि दो पार्ट हैं। एक हमारे पास एयर पैसेज वे है कि वो कौन कौन सी हवा की नालियां हैं जहां से हवा जो इनहेल्ड एयर होती है वो गुजर कर रेस्पिरेटरी सरफेस यानी लंग्स तक पहुंचती है। तो हमने स्टार्ट किया था, हमने नोज को डिटेल से पढ़ा था, उसके अलावा हमने फेरिंग्स को पढ़ा था, लैरिंग्स को पढ़ा था। ट्रेकिया से अब हम शुरू करते हैं। तो ट्रेकिया का जो अल्टरनेटिव नेम है इसको वाइंड पाइप भी कहते हैं। वाइंड पाइप यानी हवा की सांस की नाली या हवा की नाली भी कहते हैं। अगर इसकी स्ट्रक्चर हम देखें तो इसकी जो वॉल्स होती हैं उस पर कार्टिलेजिनियस रिंग होता है जो कि सी शेप कार्टिलेज का बना होता है। और ये जो कार्टिलेजिनियस रिंग होता है या इसकी जो कार्टिलेज होती हैं वो क्या करती हैं, वो ट्रेकिया को वाइड ओपन रखती हैं, वाइड ओपन रखती हैं और इसकी कोलैप्सिंग को क्या करती हैं जी, प्रिवेंट करती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इस कार्टिलेजिनियस रिंग का, जो कि सी शेप की कार्टिलेज का एक रिंग होता है, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। ये ट्रेकिया को ओपन रखता है, खुला रखता है और इसको सुखड़ने से क्या करता है जी, बचाता है। इसके अलावा इसकी जो ओपनिंग होती है, ट्रेकिया की जो ओपनिंग होती है उसको ग्लॉटिस कहते हैं, ग्लॉटिस। और ग्लॉटिस के ऊपर एक मस्कुलर फ्लैप होती है जिसको हम क्या बोलते हैं जी, एपिग्लॉटिस। एपी का मतलब है अपांग या वाओ और ग्लॉटिस का मतलब है द ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया। ट्रेकिया की जो ओपनिंग होती है, इसका जो सुराख होता है उसके ऊपर एक मस्कुलर फ्लैप होता है, एक गॉर्डिंग फ्लैप होता है जिसको हम क्या बोलते हैं जी, एपिग्लॉटिस। और ये क्या करता है, ये जब हम सांस ले रहे होते हैं, जब हम एयर को इनहेल कर रहे होते हैं, एक्सपायर कर रहे होते हैं, तो उस दौरान ये ओपन होता है और एयर को क्या करता है जी, लीड करता है इनटू द लंग्स। लेकिन जब हम ड्रिंकिंग या स्वॉलिंग कर रहे होते हैं तो उस दौरान ये क्या करता है, ये ग्लॉटिस को कवर कर देता है और ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है ड्रॉप ऑफ वाटर और जो फूड की एंट्री है उसको ट्रेकिया के अंदर। तो ये हमारे पास क्या हो गया कि ट्रेकिया। ट्रेकिया जब हमारे थोरैसिक कैविटी में एंटर होती है तो ये दो मजीद एयर पैसेज वे के अंदर डिवाइड हो जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं जी, ब्रोंकस बोलते हैं। ब्रोंकस आर टू इन नंबर्स, तो राइट ब्रोंकस और दूसरा क्या है जी, लेफ्ट ब्रोंकस। ब्रोंकस जो होती है इस पर भी सी शेप की क्या होती है जी, कार्टिलेजिनियस रिंग्स होती हैं जो उसका वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है। ये भी यही काम करती हैं, ये क्या करती हैं जी, ब्रोंकाई को ओपन करती हैं और इसको इसकी जो कोलैप्सिंग होती है उसको क्या करती हैं, प्रिवेंट करती हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास वो क्या है जी, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, हम जिनको लंग्स भी कहते हैं, गिल्स भी कहते हैं, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, जो खुश्की पे रहने वाले जानवर होते हैं, जो कि एयर से ऑक्सीजन हासिल करते हैं, तो उनके अंदर पेयर ऑफ लंग्स होते हैं जो कि क्या करते हैं जी, हवा और खून के दरमियान में गैसों का तबादला करते हैं। जबकि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके अंदर क्या होता है जी, गिल्स होते हैं और गिल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन से वाटर से डिजॉल्व ऑक्सीजन को क्या करते हैं जी, इनटेक करते हैं। तो लंग्स जो है उसके बाद ये ब्रोंकाई जब 1 मिलीमीटर या 1 माइक्रोमीटर का वॉल्यूम अटेंड कर देती हैं तो उनको क्या कहा जाता है जी, ब्रोंकियोल कहा जाता है। और ब्रोंकियोल्स क्या करते हैं, ये एयर को कैरी करते हैं इनटू द अल्वियोलाई। और अल्वियोलाई हमारे पास जो अल्वियोलस है इसको हम बोलते हैं जी, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। स्ट्रक्चरल का क्या मतलब है, जो लंग्स होते हैं वो अल्वियोलस के बने होते हैं। और फंक्शनल का क्या मतलब है कि जो लंग्स फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो जो फंक्शन होता है वो किसकी वजह से होता है जी, अल्वियोलस की वजह से ही होता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लंग्स,
लंग्स क्या काम करते हैं जी? लंग्स गैसियस एक्सचेंज का काम करते हैं, या हम यूं भी कह सकते हैं ये ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड का काम करते हैं। ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड, खून की तकसीब करते हैं। ये क्या करते हैं? खून से, ब्लड कैपिलरी से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं जी? रिमूव करते हैं, और ऑक्सीजन को क्या करते हैं जी? ब्लड के अंदर शामिल करते हैं। ब्लड से ये क्या करते हैं जी? कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं, ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर क्या करते हैं? शामिल करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड ऑक्सीजनेशन। कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड से रिमूव होना और ऑक्सीजन का ब्लड के अंदर शामिल होना, ये है जी ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड, विच इज द फंक्शन ऑफ लंग्स। जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं गिल्स या लंग्स, वो यही काम करते हैं कि वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं, ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड करते हैं, ऑक्सीजन को ब्लड में शामिल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से क्या करते हैं? रिमूव करते हैं। और लंग्स, अगर आप अल्वियोलस देखो तो अल्वियोलस की जो वॉल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा थिन होती हैं और पोरस होती हैं, जिनसे क्या होता है जी, इजीली क्या हो सकता है, गैसेस की डिफ्यूजन हो सकती है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इजी हो सकती है। जैसे रेस्पिरेटरी जो सेल्स होती हैं या रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, उनके चंद एक जो कैरेक्टर है, उनमें ये पहला कैरेक्टर है कि इसको क्या होना चाहिए? थिन होना चाहिए। हम क्या देख रहे हैं? रेस्पिरेटरी सर्फेस की प्रॉपर्टी देख रहे हैं, तो मस्ट बी थिन, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, गैसेस डिफ्यूज कर सकें। दूसरा क्या होना चाहिए जी? इसको पोरस होना चाहिए। पोरस का क्या मतलब है? इस पे छोटी छोटी ओपनिंग होनी चाहिए जो कि फैसिलिटेट करें कि इसको डिफ्यूजन ऑफ गैसेस को। और तीसरा क्या होना चाहिए? रिच ब्लड सप्लाई। तो ये सारी चीज़ें, ये जितने भी तीन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, ये अल्वियोलस के अंदर मौजूद होते हैं। इसकी जो एपिथेलियम होती है वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, थिन होती है, मैक्सिमम गैसेस एक्सचेंज होता है, पोरस होती है, और इसके ब्लड कैपिलरीज होती हैं, उनके इंतहाई बारीक माइक्रोस्कोपिक जो वेसल्स होती हैं वो होती हैं, जिनसे क्या होता है, कंसंट्रेशन की बुनियाद पर गैसेस एक्सचेंज होता है। ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से रिमूव होकर किधर आ जाती है जी? अल्वियोलस में आ जाती है, और अल्वियोलस से ऑक्सीजन जो होती है वो क्या होती है? ब्लड के अंदर शामिल हो जाती है। तो ये हमारा टॉपिक तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, गैसेस एक्सचेंज इन एनिमल्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। अल्लाह हाफिज़।